मैं हूँ सुरफी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है आज हमने सेंटर टेबल डेकोरेट की है कुछ पुरानी चीज़ों से जो मेरे पास पुराने दुपट्टे थे मैंने उसी से डेकोरेट किया है तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि आपको मेरा बोरिंग से सेंटर टेबल को डेकोरेट करने का आइडिया आपको कैसा लगा तो जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या सामान लिया है ये मेरे पास ये दुपट्टा है ये दो शेड में है दुपट्टा बहुत ही सिल्की है दुपट्टा शाइनिंग वाला और ये कैच की सहायता से हमने इसकी कटिंग करी है ये मेरे पास रेशम के धागे के ये बने हुए बहुत ही खूबसूरत से फूलने कहते हैं हम या फिर हम इसे अपने घर में भी बना सकते हैं लेकिन मैंने ये मार्केट से परचेज़ किए हैं और उसकी मैचिंग की रील ली है मैंने सिर्फ बहुत ही और सुई से हमने अपने हाथों से ही बनाया है मैंने सिलाई मशीन का उपयोग नहीं किया है ये देखिए भी आप अगर इसमें ये जो कपड़ा मैंने लिया है बहुत दुपट्टा है ये मेरे पास मैंने इसको बीस से कटिंग करूँगी क्योंकि ये मेरी सेंटर टेबल है वो उसमें क्या होगा अगर मेरी सेंटर टेबल अगर मैंने इसको बढ़िया दुपट्टा थोड़ा बड़ा है अगर मैं इसी तरह से इसे बनाऊंगी ना तो मेरी सेंटर टेबल का जो बेस है वो साइड से अच्छा नहीं लगेगा मुझे लग रहा था तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसकी बीस से थोड़ी सी कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि अगर मैं साइड से इसकी कटिंग करती हूँ तो इसमें यह होगा कि जो मेरे जो दो शेड में है वो शेड थोड़ा सा कम हो जाएगा और जो बेस जो ऊपर का जो बेस आएगा ना वो अच्छा नहीं आएगा क्योंकि तो मुझे जो मेरी सेंटर टेबल है थोड़ी डार्क कलर की है शीशा जो उसका है ना ब्राउन कलर का डार्क कलर का है तो मैंने उसको लाइट कलर का करने के लिए इसलिए मैंने उसका जो ऊपर का बेस है जो थोड़ी कटिंग कर ली है अगर आपके पास अगर ऐसा दुपट्टा नहीं है तो हम कोई भी दुपट्टा जैसे कि कॉटन का हो या रेश कोई भी मतलब दुपट्टे का आप यूज़ कर सकते हैं वो भी सेंटर टेबल पे आजकल बहुत ही खूबसूरत सा कलरफुल सेंटर टेबल हो रही है एक्चुअली वो आप सेंटर टेबल का कर, करना चाहें या फिर आप न, डाइनिंग टेबल का हम बनाते हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत सा बनता है मेरा थोड़ा सा बड़ा दुपट्टा था ये मीडियम साइज़ का दुपट्टा है मैंने ऐसा कुछ बड़ा नाप के नहीं लिया है तो मेरा थोड़ा सा सेंटर टेबल के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा लग रहा था इसलिए मैंने इसकी बीस से कटिंग करी है और ये कपड़ा थोड़ा पैसा है मतलब अगर सिल्क मतलब आप अगर इसको आयरन करेंगे तो भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा इसलिए मैंने इसको बी से जॉइन करूँगी इसको मैंने थोड़ा सा बीस से, से जॉइन कर लिया है सिलाई की है आप मशीन से भी कर सकते हैं मैंने हाथों से किए इसमें मतलब बीस से जॉइंट करने पे इसका दिखता नहीं है मतलब इतना पता नहीं चलेगा कि आपने इसको जॉइंट किया है क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा रेशा मतलब बहुत ही सॉफ्ट है हम कॉटन का कपड़ा लें तो वो भी बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि इसमें मैंने इसलिए बीस से कटिंग की अगर आप साइड से वैसे अगर आप कोई भी कपड़ा लेते हैं तो साइड से कटिंग करें ये मेरे पास इतफाक था कि मेरे पास ये दुपट्टा मेरे घर से ही जो मेरे कमरे में टाइल्स है तो उससे कुछ मिलता उल्टा सोफ़े से मिलता उल्टा मैंने लिया है तो मेरा मैचिंग का हो गया है तो ये पुराना ही दुपट्टा है मेरे पास जो कोई भी आप अगर पुराना दुपट्टा हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं उससे भी बहुत ही खूबसूरत सा बन जाएगा आपका सेंटर टेबल डेकोरेट बहुत ही अच्छी होती है तो ये देखिए इसको मैंने नापा नहीं है थोड़ा सा जो आपको साइज़ ये ना हो थोड़ा चौड़ा या पतला मैंने इसको फोल फोल्ड किया है तो चार दो मैं फोल्ड करके फिर मैंने दोबारा फ़ोल्ड कर दिया है तो इस तरह से तो ये इसको हम चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड हो जाएगा तो इसी नाप का मैंने लिया है ऐसा कोई नापा नहीं है मैंने सिर्फ सेंटर टेबल के हिसाब से मैंने देखा है कि मुझे कितना लंबा चाहिए आप अगर इसको चौड़ा ही ऐसे ही बनाएं तो वो भी बहुत अच्छा बनता है लेकिन मैंने उसको कटिंग करी है थोड़ा सा तिकोना काटा है तो ये देखिए कैंची की सहायता से मैंने इसको थोड़ा सा तिकोना काट लिया है जिससे कि साइड से ये फुने जो रेशम भी धागे के बने हुए हैं वो लटकाते तो बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं अगर आप चौकोर बनाते हैं तो इसमें दो लगाएँ मतलब साइड से दोनों तरफ से मैंने इसको एक एक लगाया है क्योंकि मैंने इसको तिकोना का काटा था तो उसमें एक ही अच्छा लग रहा था आप डबल डबल काट अगर चौकोर करें तो दो लगा तो दो ज़्यादा अच्छे लगेंगे अगर इसमें आप फॉर्म भी लगाते हैं जैसे कि मैंने इसको पट किया है मतलब दो पट लगाए हैं मोड़ के दोनों तरफ से मैंने कटिंग ऐसी ही की है सेम देखी इस तरह से एक के ऊपर जैसे कि मेरी जो शेड है वो ख़राब ना हो मतलब ऊपर नीचे ना हो इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग ही इसको कटिंग करी है और अगर आप इसमें फ़ोम लगाते हैं जैसे मैंने आपको बताया फोम लगाएं या फिर आप स्थल का कोई कपड़ा लगाएं वो भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट चाहिए था इसलिए मैंने ये वाला दुपट्टे का यूज़ किया और ये है ऑप्शनल मैंने इसलिए पहले नहीं दिखाया था ये है मेरे पास गोटा का ये है ही है मेरे पास गोल्डन कलर की तो मेरी थोड़ी शाइनिंग वाली है अगर इसमें आप देखिए मैं इस पर लगाऊँगी चारों तरफ अगर आपके पास कोई भी लेस हो आप वो भी लगा सकते हैं या फिर आप लेस ना भी लगाना चाहें तो वो वैसे भी आप अगर इसको सिलेंगे तो वो भी बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा विदाउट लेस के लेकिन अब मेरा रियल रीज़न था कि मैंने ये वाली ही लेस क्यों चुनी क्योंकि मुझे थोड़ा सा शाइनिंग भी ये मेरे दुपट्टे का तो ऑलरेडी शाइनिंग था ही लेकिन मैंने ये लेस ये गोल्डन की ली है मुझे थोड़ा सा और भी लुक देना था थोड़ा सा शाइनिंग वाला लुक देना था बोरिंग सा मेरा सेंटर टेबल लग रहा था मुझे तो मैंने इसको इस तरह से देखिए मैंने ज़्यादा ये कटिंग फिटिंग नहीं करी है इसमें बहुत ही सिंपल से कटिंग करके और मैंने इसमें ये गोटा लगाया है लेस कहते हैं हम और ये हम वो ये मेरा दुपट्टा है मैं इसके चारों तरफ से ही लगाऊंगी जो मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं छोड़ूंगी अगर इसमें हम जैसे मैंने आपको बताया आप कोई भी लेस लगाएं या साड़ी की अगर पुरानी फॉल या लेस साइड से होती है ना साइड की लेस जो लगी होती है साड़ी में अगर आप वो भी लगाते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत सा लगता है लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें शाइनिंग लुक देना था और मेरे दुपट्टे से भी थोड़ा सा मैच कर रहा था और ये थोड़ा सा अगर कम रौशनी में भी ये बहुत ही अच्छे से खिल के आएगा क्योंकि हमारी हम अगर कोई चीज़ बनाएं तो सेंटर टेबल को थोड़ा सा लुक दे शाइनिंग वाला तो ये देखिए दोनों तरफ से ये हमने पूरे अच्छे से इसको लेस को अच्छे से कवर कर लिया देखिए मैं इसको थोड़ा सा और आयरन कर दूँगी जिससे कि ये मेरी लेस है वो अच्छे से So, हो जाए मतलब एकदम फिनिशिंग अच्छी से आ जाए क्योंकि अभी हमने बनाया है तो बनाने में थोड़ा सा कपड़ा हमारा ऊपर नीचे हो गया है तो देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो और ये देखिए इस तरह से ये मेरे पास है के धागे के बने हुए तो मैं इसको सुई के धागे से अच्छे से इसको फिलअप कर लूँगी तो सिल लूँगी इसे ये आप मशीन से भी हम अगर मैंने ये बनाया था तो मुझे आधे घंटे में मेरा बहुत ही मिनिमम बन गया था अगर हम मशीन से बनाते तो पंद्रह मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही जल्दी बन जाता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत सी हमारी सेंटर टेबल लगती है हम दुपट्टा है हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम बना सकते हैं इसको तो ये देखिए इस तरह से मैं दोनों तरफ भी लगा लूँगी तो ये देखने में और भी ख़ूबसूरत सी हो जाएगा तो इस तरह से सुई धागे से हम इसे सिल लेंगे और हमारे ये सेंटर टेबल के लिए बिल्कुल ही तैयार है तो अब हम आपको सेंटर टेबल दिखा देती हूँ कि सेंटर टेबल पे ये रख के कैसा लगेगा तो ये देखिए मैंने इस सेंटर टेबल पर रख के इस कुछ इस तरह से लुकाया है आप इस पर फ्लावर पॉट रखें या फिर कोई ओकेशन हो तो इसमें हम टॉफ़ी वगैरह बॉल में रख के टॉफ़ी रख सकते हैं देखिए इसको मैंने थोड़ा लंबा नहीं किया है अगर आप चाहें थोड़ा लंबा कर सकते हैं मैंने दो पार्ट में किया है मतलब सीधा भी कर सकते हैं तिरछा भी और कॉम्बिनेशन मेरे रूम से काफ़ी अच्छा मैच खाया है तो देखने में बहुत ही खूबसूरत